कांग्रेस पर सीएम मनोहर लाल का जुबानी हमला देखने को मिला है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस पर सीएम मनोहर लाल ने निशाना साधा। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस अध्यक्ष को खरी खरी सुनाई है। वो आजादी का श्रेय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से बाहर निकलकर देखें। इस तरह का खेदजनक बयान देना नहीं चाहिए, ऐसा वो कहते नजर आए। हमको इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, सीएम मनोहर लाल की तरफ से बात की गई है और कांग्रेस पर सीएम मनोहर लाल ने निशाना साधा है, बड़ा जुबानी हमला किया है। कांग्रेस पर सीएम मनोहर लाल का बड़ा जुबानी हमला देखने को मिला। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस अध्यक्ष को खरी खरी सुनाई है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। वो इस तरह से कहते हुए नजर आए कि इस तरह का बयान देना खेदजनक है, इस तरह के बयान का उपयोग नहीं होना चाहिए, हमको इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अलवर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया था बीजेपी को लेकर और उसके बाद अब एक के बाद एक हंगामे जो अब शुरू हो गए हैं लोकसभा में और साथ ही राज्यसभा के साथ साथ अब हंगामे देखे जा रहे हैं। इस तरह का खेदजनक बयान नहीं देना चाहिए, सीएम मनोहर लाल की तरफ से बात की गई, निशाना साधा गया है और क्या कुछ कहा इसी के साथ सीएम मनोहर लाल ने उन पर निशाना साधते हुए सुनिए। एक दुर्भाग्यपूर्ण कथा ऐसी भी कभी कभी सुनने को मिल जाती है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी अभी ये जो यात्रा चल रही है, जो राहुल गांधी के नाम से यात्रा चलाई जा रही है, कल ही अजमेर में जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा कि हमने आजादी दिलाई है, वो आजादी का श्रेय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इनके अलावा बाहर जाके निकल के देखते नहीं है। ये जो अनगिनत क्रांतिकारियों का मां भारती के बलिदान के लिए जो काम किया है, वास्तव में इस प्रकार का खेदजनक बयान कभी देना नहीं चाहिए। देश की आजादी में बहुत बड़े क्रांतिकारियों का, वीरों का जो योगदान रहा है, हम सबको इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हमको सबको याद रखना चाहिए, सबके प्रति आदर का भाव ऐसा ही हमको लेकर के चलना चाहिए।